पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा झारखंड सरकार का प्रतिनिधिमंडल। मंत्रियों ने भाई बन जमीन पर बैठकर पीड़ित मां की सुनी संवेदना। कहा, रुपेश को तो वापस नहीं ला सकते पर हत्यारों को दिलवाएंगे सजा। प्रतिनिधिमंडल में शामिल स्वास्थ्य मंत्री मिथिलेश ठाकुर, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, जल संसाधन मंत्री सत्यानंद भोक्ता, गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार, बड़कागांव विधायिका अंबा प्रसाद व स्थानीय विधायक उमा शंकर अकेला मौजूद थे। प्रतिनिधिमंडल ने कहा, पीड़ित परिवार को हर संभव मिलेगा न्याय, दोषी जल्द होंगे सलाखों के पीछे, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, भाजपा बंद करे गंदी राजनीति। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार से मिलने की जताई है इच्छा। तीनों मंत्री पीडीटी परिवार को निजी कोष से देंगे 1-1 लाख रुपए। पीड़ित परिवार की मांग, 27 अपराधियों को शीघ्र किया जाए गिरफ्तार, हत्यारों को दिलाई जाए फांसी, मॉब लिंचिंग के तहत दर्ज हो मुकदमा, जीवन यापन हेतु 50 लाख नगद व परिवार के लिए एक सदस्य को मिले नौकरी। सोमवार का दिन बरही के लिए एक बार फिर से चर्चित रहा। रुपेश हत्याकांड मामले की सच्चाई जानने झारखंड सरकार के प्रतिनिधिमंडल पीड़ित व दुखियारी माँ से मिलने नैनीताल पहुँचे। प्रतिनिधिमंडल में सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, जल संसाधन मंत्री, कृषि मंत्री, गिरिडीह विधायक, बड़कागांव विधायक एवं स्थानीय विधायक शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल में के साथ झामुमो के बरही विधानसभा प्रभारी सह केंद्रीय सदस्य विनोद विश्वकर्मा भी साथ थे। प्रतिनिधिमंडल के पहुंचते ही परिजन गमगीन हो गए। मृतक के चाचा अनिल पांडे ने सप्ताह दिन बाद सरकार या स्थानीय विधायक के द्वारा सूद लेने पर नाराजगी व्यक्त किया। चाचा ने कहा कि रुपेश की हत्या मॉब लिंचिंग के तहत बेरहमी से की गई है, परंतु जिला प्रशासन के द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जा रहा है, जो अत्यंत ही पीड़ादायक है। अब तक मात्र 5 हत्यारे ही गिरफ्तार हो पाए हैं, उन्हें शीघ्र ही शेष सभी हत्यारों को गिरफ्तार कर न्याय की गुहार लगाई। सरकार के प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों ने मृतक की मां उर्मिला देवी से भी बात किया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सभी मंत्रियों एवं विधायकों ने उन्हें आश्वस्त किया कि मुख्यमंत्री मामले को लेकर संवेदनशील है। घटना के दिन से ही मुख्यमंत्री लगातार प्रशासन से संपर्क में है और आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। दोषी किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। मंत्रियों ने मृतक की मां से अपने भाई स्वरूप मान अस्वानू पर विश्वास करने की बात कही। उन लोगों ने कहा कि रुपेश के श्राद्ध कार्यक्रम के बाद उपायुक्त मृतक के माता पिता चाचा आदि को मुख्यमंत्री तक ले जाने का काम करेंगे, जहां परिजन खुलकर मुख्यमंत्री से अपनी बात रख पाएंगे। मृतक की मां को हर संभव संवेदना देते हुए समझाने का पूरा प्रयास किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें अपने हाथों से पानी पिलाकर उन्हें भोजन ग्रहण करने का अनुरोध किया। मृतक का मां ने पैसे लेने से इनकार किया, कहा मुझे न्याय चाहिए। मंत्रियों के द्वारा मौके पर ही मृतक के परिजनों को 1-1 लाख रुपए देने की बात कही गई, जिससे मृतक की मां ने लेने से इनकार करते हुए सिर्फ न्याय की मांग की। काफी मनोबल के बाद वह न्याय के शर्त के साथ उन्हें स्वीकार किया। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा, विपक्ष बेवजह मामले को राजनीतिकरण न करे, गठबंधन की सरकार में प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलेगा, कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में न ले, अन्यथा कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। मौके पर डॉक्टर निजामुद्दीन अंसारी, विधानसभा विधायक प्रतिनिधि विनोद यादव, मनोहर यादव, अशोक सिंह, नरेश सिंह, प्रमोद सिंह, सुनील शाह, सुनील चंद्रवंशी, असलम अंसारी, अमित जायसवाल, दीपक गुप्ता, प्रयाग यादव, सोनू केसरी, झामुमो के रंजीत पांडे, मनोज केसरी, संतोष सोनी सहित गठबंधन के सभी कार्यकर्ता एवं नेतागण उपस्थित थे। जिला प्रशासन मौके पर थी मुस्तैद। सरकार के प्रतिनिधि मंडल की देखरेख में जिला प्रशासन के प्रतिनिधि डीसी, एसपी सहित एसडीएम, वीडियो, एसडीपीओ पूरे दल बल के साथ तैनात थे। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील था। खबर 365 न्यूज के लिए बरी से जयदीप के साथ अमित सोनी की रिपोर्ट। बाकी मंत्री जी हमारा आयल हो सब मंत्री जी रहते ही नहीं गिनते हाल के सत्यानंद भक्ता साहब हैं और हम सब साथ योगदान जैसा चाहता हूँ एकदम हाँ 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 निश्चित निश्चित केस कर भी कर ओकरा ओकरा बरी करेंगे जे निर्दोष रहते निर्दोष बरी होता और जगत और जे दोषी होता सजा होता सजा मिलते और ये बात अभी हम बोल के जा रहे विधायक की हैसियत से माननीय मंत्री बोल के जा रहे यह पता तोरा मुख्यमंत्री कहते यह पता तोरा मुख्यमंत्री कहते और मुख्यमंत्री अगर लागू करके देखे तो हम दुनिया से भाग सके हम तोर से नहीं भाग सके
तो हमारे घर जी बोला अपन शरीर खराब कर हमारे घर तू आई जिमी हम तोरा की जवाब देब और अपना शरीर खराब करके अपना माँ ही बढ़िया नहीं दुख तो सर वहाँ जाने के क्रम में सर बीच रास्ते में ही एक समुदाय के लोग उसी जगह पे मार के जान लिया सर। ये उसको एक चाकू का धार भी नहीं सर, उसका शरीर में एक भी दाग भी नहीं है सर, कहीं तलवार नहीं चली, कहीं कुछ नहीं सर, उसको सब मिल के मारा है सर, लात घूसों से उसको मिल के मारा है सर। उसको सर उसका जान कैसे तड़प तड़प यह है सर, ये आप खुद महसूस कर सकते हैं सर। पूरा उसको पटक के जमीन में सर उसका गर्दन दबाया गया सर, उसका चेस्ट तोड़ दिया है सर, चेस्ट पे चढ़ गया था सर, और इस तरह उसका जान लिया गया है सर, और पूरा एक समूह बना के उसको मारा गया है सर। कौन होता है मुख्यमंत्री ना जी, तो कभी भी एक चीज आप लोग सभी लोग हम करते हैं कि कभी भी इस चीज को आप लोग दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा हमेशा, कभी ये सरकार अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सरकार जात पात जाति धर्म का राजनीति नहीं करती है, ये सरकार पूरी तरह से सभी लोगों को समान रूप से देखती है, चाहे वो किसी के साथ घटना हो। आज हमारा भी भतीजा लगेगा, हमारा भी आज जिसके ऊपर ये दुख होता है उसका आत्मा क्या उसके ऊपर गुजर रहा होगा, इसका अंदाजा हम लोग भी लगा सकते हैं।